लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स. आप जब तक खुद ऊपर नहीं उठेंगे आप किसी और को कैसे ऊपर उठा सकते हैं. तो अपने आप को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है और बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी सिंपल बैरिस्टर थे, सिंपल से एक वकील थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, पैसा कमाते थे, मॉल लेते थे. जिस दिन बिलीव सिस्टम चेंज हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ ये करने के लिए नहीं है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी हैपेंस. और वो ट्रांसफॉर्मेशन ने सिर्फ गांधी का जिंदगी नहीं बदला, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया. इसका मतलब हर आदमी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो अपनी नहीं पूरी दुनिया को बदल सकता है. वो सारा मैजिक उसको फाउंड करना पड़ता है. बस वो मैजिक, वो जादू उसको फाउंड करना पड़ता है कि मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए बाजार में. दोस्तों मैं बता दूं, एक सिंपल टीचर जिसको ये कभी नहीं पता था कि मैं कभी स्कूल की प्रिंसिपल भी लग सकती हूँ, वेंट टू बिल्ड मिशनरीज. उसने मिशनरीज बनाई, लोग उसको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं. 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग रोज खाना खाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इवन आफ्टर हर डेथ. उसकी मृत्यु के बाद भी आज इतने सारे लोग उसकी वजह से खाना खाते हैं. जिस दिन उसका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि मैं यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आई, सब कुछ उसके आजू बाजू बदल गया दोस्त. और ये लोग, मैं फिर आपसे कहता हूँ, ना तो नीम के पेड़ पे लगे थे ना पीपल के पेड़ पे. इनकी माँ ने इनको ऐसे ही जना था जैसे मुझको जना है और जैसे आपको जना होगा. बस एक चीज चेंज होगी कि यहाँ हम नॉर्मल चीजों के लिए नहीं आए. स्टीव जॉब ने पूरी डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरी क्रांति लेके आ गए स्टीव जॉब. आज स्टीव जॉब का कोई मुकाबला नहीं है. कॉलेज ड्रॉप आउट है यार, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट एक आदमी, लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजों के लिए नहीं आया, जिंदगी बदल गई. आप हैरान हो जाएंगे, एक सिंपल चाय वाला जो चाय बेचता था बिकम द प्राइम मिनिस्टर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. बिकॉज एज अ चाय वाला ही बिलीव कि मैं छोटे काम करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ बड़ा काम करने. एक कंडक्टर जो बस में टिकट बेचता बिकम्स रजनीकांत, सुपर स्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा. क्योंकि एज अ बस कंडक्टर जिस दिन उसको समझ में आया कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया, ना वो खुद बदला, उसने पूरी की पूरी कायनात को बदल दिया. और मैं आपको बता दूं, एक सिंपल अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो घर घर जाके न्यूज़पेपर डाला करता था बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम. बिकॉज जिस दिन वो अखबार बेच रहा था उसको पता था कि मैं ये करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं. तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा का सारा खेल इसका है. जिस दिन तुमको तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा. और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता. बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ. लाइन को बिलीव होता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है. रॉजर बेनिस्टर को बिलीव हुआ कि मैं 4 मिनट माइल को ब्रेक कर सकता हूं, इसलिए उसने 4 मिनट माइल को ब्रेक कर दिया. सचिन तेंदुलकर को बिलीव हुआ कि मैं 200 रन बना सकता हूं वनडे के अंदर, उसने 200 रन बनाए, उसके पीछे पीछे 10-12 लोगों ने और बना डाले. सारा का सारा खेल एक ही चीज के है कि आपको विश्वास है. तो आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आज इस बिलीफ को लेके बाहर जाना मेरे दोस्त, कि आप किसी भी एज से हो कोई मैटर नहीं करता. क्राइस्ट बिगिन एट 30, क्राइस्ट ने 30 साल में शुरू किया. अब्राहम लिंकन बिगिन एट 52, केएफसी के मारे कर्नल सैंडर्स बिगिन एट 62, 57, 60 साल की उम्र में इन्होंने करियर शुरू किया. जो बाइडन जो आज प्रेसिडेंट है 75 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने. एज मैटर ही नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं. एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं. और वो किसी भी उम्र में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए. पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई. तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला, 90 साल हो गया आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है. कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए. आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता, आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कोई साला मद्रास कहां से निकल के आदमी. और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है. ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया,
कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई।